हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की। आज के दिन की बात करें तो मार्केट के गिरावट के साथ ट्राइडेंट में भी हमको 3% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले स्टॉक ने लगातार तेज़ी दिखाई थी, 54 के लेवल से रिजेक्शन लिया है और हमको यहाँ लो और लो पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार गिरावट का सिलसिला ट्राइडेंट में हमको नज़र आ रहा है, जंप आ रहा है, जंप पर रिजेक्शन ले रहा है, गिरावट आ रही है और अपने लो को ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। यहाँ से ट्राइडेंट में हमने इससे पहले भी वीडियो में, मैंने कल की ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जंप आया है, जंप के साथ रिजेक्शन ले गया तो 40 का जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ सकता है और आज की डेट में स्टॉक हमको 40 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। यहाँ से ट्राइडेंट हमको और गिरावट दिखा सकता है और गिरावट का जो सिलसिला है ट्राइडेंट में हमको कंटिन्यू होता नज़र आ सकता है। अब 40 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है तो इमीडिएट सपोर्ट को डिस्कस करें तो 37, 50, 38 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर गया तो वैसे कंडीशन में फिर 34 रुपीज़ तक का फॉल हमको ट्राइडेंट में देखने के लिए मिल सकता है। किसी एक लेवल से हमको स्टॉक का खेल पलटते हुए नज़र आ सकता है, हो सकता है कि 34 तक की भी गिरावट देखने के लिए मिले और इसी लेवल से स्टॉक का खेल पलटते नज़र आ जाए। अब यहाँ आने वाले दिन में हमको 40 रुपीज़ तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है, 40, 44, 40 तक का भी जंप इसमें हमको आने वाले दिन में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जंप पर हमको थोड़ा सा होशियार रहना होगा क्योंकि हम देख सकते हैं जंप आ रहा है, स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है और अपने लो को ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ रहा है। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ से अगर जंप आता है और स्टॉक रिजेक्शन लेकर अपने लो को ब्रेक डाउन करता है तो और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल गिरावट में है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।